आज तक सबसे ज्यादा डिमांड जिस लैपटॉप की देखी है वो है Lenovo ThinkBook 16G6 जो आता है Ryzen 5 प्रोसेसर के साथ है। पिछले दो महीने से काफी डिमांड की जा रही थी कमेंट्स में, पर ये लैपटॉप अवेलेबल ही नहीं हो पाया था, पर फाइनली आज लेके आ गया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेवटेक स्मार्ट में। एक्सक्लूसिव डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग के साथ है। तो ये है लैपटॉप का बॉक्स और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ThinkBook जो कि बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम एक्टिवेशन मिल जाता है। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप के बॉक्स पे MRP है 86,000 है, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये लैपटॉप कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो काफी सारा पेपर वर्क दिया हुआ है और फ्रेंड्स काफी अच्छी बात है, 65 वोल्ट का टाइप सी अडाप्टर है और देख सकते हो काफी कॉम्पैक्ट साइज में है। और केबल की क्वालिटी की बात करो तो काफी प्रीमियम देखने को मिल रही है, इसे रखते हैं साइड में, और एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड मिल जाती है। और फाइनली अपना लैपटॉप है। इस लैपटॉप के फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो ये लैपटॉप आर्कटिक ग्रे कलर में है और ऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ने मुझे इंप्रेस किया है क्योंकि ये लैपटॉप मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड है और आपको भी पता है कि लैपटॉप में कम से कम 10 से 12 टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन मिलता है। टॉप कवर की बात करूं तो ये मेटल का देखने को मिलेगा, बाकी पाम रेस्ट और बॉटम में प्रीमियम क्वालिटी की हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है, तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। और जैसे मैं टॉप पे प्रेस कर रहा हूं तो मेरे को फ्लैक्स नॉक के बराबर ही देखने को मिल रहा है और ऑल बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और टॉप पे कोई भी फिंगर वगैरह के निशान देखने को नहीं मिलेंगे। और इस लैपटॉप का वेट 1.7 kg है। अब देखो 16 इंच का लैपटॉप है तो इतना वेट तो मिलेगा ही, और बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है लेकिन डिजाइन वाइज काफी शानदार देखने को मिल रहा है। टॉप पे यहाँ ThinkBook की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ कॉर्नर पे Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाती है और सामने की तरफ भी ThinkBook की ब्रांडिंग की गई है। और देखते हैं इस लैपटॉप की टॉप लिड को सिंगल हैंड से ओपन करके, जैसा कि आप देख पा रहे हो ओपन नहीं हो रही है और मैक्सिमम आप टॉप लिड को 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हो। हिंज मुझे काफी स्टेबल लगे, जहां मैं टॉप लिड को रोक रहा हूं वहीं प्रॉपर टॉप लिड रुक रही है और स्क्रीन बबल आपको इतना ही देखने को मिलेगा जो कि मुझे काफी कम लग रहा है। इस लैपटॉप की अगर मैं कीबोर्ड की बात करूं तो फुल साइज का स्ट्रोम ग्रे कीबोर्ड दिया हुआ है, साथ ही आपको नमपैड भी मिल जाता है, की ट्रेवल का स्पेस वो भी काफी अच्छा है। और अच्छी बात मुझे ये लगी कमर्शियल सीरीज के लैपटॉप आपको बैकलिट कीबोर्ड मिल जाता है, व्हाइट कलर की बैकलिट दी हुई है और बैकलिट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो फंक्शन स्पेस बटन पे प्रेस करना रहेगा। ओवरऑल कीबोर्ड की क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और कॉर्नर पे ही पावर बटन दिया हुआ है और पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, उसका भी रेस्पॉन्स टाइम काफी अच्छा है। इस लैपटॉप की अगर मैं ट्रैक पैड की बात करूं तो क्लिक पैड दिया हुआ है जो विंडोज 11 के सारे जेस्टर को सपोर्ट करता है। और वैसे मैं आपको बता दूं नॉर्मल साइज का ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है और इस लैपटॉप के पाम रेस्ट पे प्रोसेसर ग्राफिक्स और कॉर्नर पे Lenovo की ब्रांडिंग मिल जाती है। बॉटम में रबर ग्रिप्स दी हुई हैं और जैसा कि देख सकते हो रबर ग्रिप्स पे भी ThinkBook लिखा हुआ है और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के लिए रीसेट होल मिल जाता है, वैसे आज के टाइम पे वैसे जरूरी नहीं है लेकिन कमर्शियल सीरीज का लैपटॉप है तो आएगा ही। और देख सकते हो काफी सारा एयर इनटेक देखने को मिल जाता है, ये लैपटॉप सिंगल फैन सेटअप के साथ आता है और यहाँ आपको विंडोज का लोगो देखने को मिल जाएगा और बॉटम में ही 2x8 के स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं और यहाँ एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है। काफी सारे व्यूवर्स कमेंट्स करते रहते हैं कि यहाँ जो एयर एग्जॉस्ट आता है उससे डिस्प्ले पे कोई इशू होता है या नहीं, तो वो मैं आपको बता दूँ एयर एग्जॉस्ट से कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस लैपटॉप के तकनीकी स्पेसिफिकेशन की बात करो तो इसमें मिलता है AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर है, इसकी बेस क्लॉक इस पर 2.0 से 4.5 GHz तक यूज कर सकते हो, 6 core 12 thread और 16 MB की कैश मेमोरी दी हुई है और ये प्रोसेसर 7 nanometer टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। यहाँ मैं आपको बता दूं यू सीरीज का प्रोसेसर है तो पावर कंज्यूम कम करेगा तो आपको बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल प्रोसेसर काफी अच्छा है जिस बजट में यह लैपटॉप आ रहा है। 16 GB की DDR 4 3200 MHz की रैम दी हुई है ड्यूल चैनल में और मैं आपको और वीडियो में बोलते रहता हूं कि सिंगल चैनल रैम के कंपैरिजन में ड्यूल चैनल रैम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है और मैक्सिमम आप इस लैपटॉप में 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। 512 GB की PCIe NVMe Gen 4 SSD दी हुई है जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने आई रही है। कनेक्टिविटी की बात करें तो लेटेस्ट Wi-Fi 6E और ब्लूटूथ 5.1 दिया हुआ है और फ्रेंड्स
सेम सीरीज का लैपटॉप है तो लैन बोर्ड भी मिल जाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लैन से काफी अच्छी स्पीड मिल जाएगी और साथ ही इसमें एमडी रेडियन के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। इस लैपटॉप में काफी सारे पोर्ट्स दिए हुए हैं, उन पे भी एक नजर डालते हैं। तो लेफ्ट साइड में 2 USB 3.2 जनरेशन 2 टाइप पोर्ट दिए हुए हैं, जिसे आप पावर डिलीवरी, डिस्प्ले आउटपुट और फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। और ये दोनों ही पोर्ट ऑलवेज ऑन को सपोर्ट करते हैं। 1 USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप का पोर्ट दिया हुआ है और ये वाला पोर्ट भी ऑलवेज ऑन सपोर्टेड है। HDMI 2.1 पोर्ट दिया हुआ है और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। फ्रेंड्स, यकीन नहीं होता है कि 40,000 के बजट में ऐसे पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं राइट साइड में सिक्योरिटी स्लॉट मिल जाता है, RJ45 पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 टाइप ए का पोर्ट है और मुझे अच्छी बात ये लगी HD कार्ड रीडर स्लॉट भी मिल जाता है। फ्रेंड्स, यकीन नहीं होता है कि 40,000 के बजट में ऐसे पोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ये लैपटॉप काफी अच्छे स्पेक्स के साथ आता है और उसी के साथ काफी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले भी मिल जाती है। इसमें लगी हुई है 16 इंच की WUXGA IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1200 दिया हुआ है, 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो दिया हुआ है। और यहाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप को आप आउटडोर में भी यूज कर पाओगे क्योंकि इसमें 300 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, साथ ही 45% NTSC कलर गैमट दिया हुआ है। देखो, यहाँ मैं आपको बता दूं, IPS डिस्प्ले तो काफी नेचुरल कलर देखने को मिलेंगे। इस लैपटॉप में मैंने मूवी वगैरह देखी, OTT एप्स पे टाइम स्पेंड किया, तो कलर्स काफी नेचुरल देखने को मिल रहे थे और उसका रीजन यही था क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले लगी हुई है। अगर आप साइड से वीडियो देखोगे तो आपको नेगेटिव भी नहीं दिखेगा और साथ ही 60Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। जनरली लेनोवो ब्रांड कमर्शियल लैपटॉप में TN डिस्प्ले प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इस लैपटॉप में आपको IPS डिस्प्ले मिल जाती है। ओवरऑल देखो फ्रेंड्स, डिस्प्ले काफी अच्छी दी हुई है। यहां मैं आपको बता दूं, इस लैपटॉप में आप एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर पाओगे क्योंकि 100% sRGB नहीं मिलती है। वैसे जिस बजट में ये लैपटॉप आ रहा है, IPS डिस्प्ले मिल रही है, काफी अच्छी बात है। और इस लैपटॉप में मैंने कुछ मल्टीपल बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं, तो सबसे पहले Cinebench R23 के स्कोर्स आपके सामने हैं। ये हैं Geekbench 6 के CPU और GPU के, 3DMark TimeSpy के स्कोर्स भी आपके सामने आ रहे हैं CPU और GPU के, और ये हैं Crossmark के स्कोर। इनके बेसिस पे आप अदर लैपटॉप से कंपेयर कर सकते हो, जिस लैपटॉप के स्कोर्स ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बेटर देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में मैंने PCMark 10 को रन कराया है, तो स्कोर्स आप देख सकते हो 5758 देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी अच्छे हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी मिलेगी। तो मैं उसी सेम फुटेज के साथ वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। तो लैपटॉप ने टाइम लगाया है 1:39 है, और जब मैंने वीडियो एनकोड किया 4K to 1080p 1 मिनट की वीडियो फुटेज थी, तो इस लैपटॉप ने टाइम लगाया है 1:02 है, और जब मैंने लैपटॉप को बूट कराया तो ओनली 10 सेकंड में लैपटॉप बूट हो गया था। कई बार मैंने देखा है कि स्कोर्स काफी अच्छे आते हैं लेकिन परफॉर्मेंस कम मिलती है, और कई बार देखा है कि स्कोर्स कम है लेकिन परफॉर्मेंस मिल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं रियलिटी पे बात करता हूं, अगर स्कोर्स कम आ रहे हैं और परफॉर्मेंस अगर अच्छी मिल रही है तो लैपटॉप अच्छा ही है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अभी 2 महीने पहले मैंने इसी सेम सीरीज में Ryzen 7 7730U का रिव्यू किया था, और वहां मैं आपको बता दूं, आप जाके वीडियो देख सकते हो, वहां एनकोड में भी ज्यादा टाइम लगा था और वीडियो रेंडर में भी। हालांकि वहां प्रोसेसर काफी अच्छा था, यहाँ प्रोसेसर थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की अच्छी मिल रही है। और अब टेस्ट कर लेते हैं इस लैपटॉप की ग्राफिकल परफॉर्मेंस, देखते हैं एमडी रेडियन के साथ ये लैपटॉप कैसा परफॉर्म करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप नहीं है, लेकिन फिर भी गेम टेस्ट तो बनता है। तो सबसे पहले मैं प्ले करने जा रहा हूं GTA 5। गेम सेटिंग्स की यहां बात करूं तो मैंने इसे फुल HD मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड GPU तो है नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, CPU 80° के आसपास जा रहा है, GPU 70° के आसपास है, RAM अप्रोक्स 8GB के आसपास यूज आ रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 40fps की फ्रेम रेट मिल रही है, और अगर आप गेम HD रेजोल्यूशन पे प्ले करोगे तो आराम से 60fps की फ्रेम रेट मिल जाएगी। वैसे गेम आप आराम से इस लैपटॉप में खेल सकते हो। नेक्स्ट गेम मैं प्ले करने जा रहा हूँ स्नाइपर इलाइट 4। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को HD मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। वैसे मैं आपको बता दूं, काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम है और अपने इस लैपटॉप में कोई डेडिकेटेड GPU तो है नहीं, तो इसी वजह से मैंने HD मीडियम सेटिंग्स पे प्ले किया है। CPU 70° के आसपास जा रहा है, GPU 70° तक है, और RAM अप्रोक्स 7GB के आसपास यूज आ रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हो, 40fps की फ्रेम रेट मिल रही है, और इस लैपटॉप के थर्मल्स भी मुझे अच्छे लगे, और CPU टेम्परेचर 75° से ऊपर नहीं जा रहा था। जब मैं गेम
प्ले कर रहा था तो इस लैपटॉप में मैंने परफॉर्मेंस मोड को अनेबल कर रखा था और मुझे फैन की नॉइस भी सुनाई नहीं दी। ओवरऑल गेम काफी स्मूथ चल ही रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो और बाकी के शेयर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और लास्ट में एक काफी ज्यादा ग्राफिक ओरिएंटेड गेम प्ले करने जा रहा हूँ, गॉड ऑफ वॉर। गेम सेटिंग्स की बात करें तो मैंने इस गेम को HD लो सेटिंग्स पे प्ले किया है क्योंकि काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो 10 से 15 FPS की फ्रेम रेट ही मिल रही है। अब देखो काफी ग्राफिक ओरिएंटेड गेम है और इसमें कोई डेडिकेटेड GPU तो है नहीं, तो ये वाला गेम आप इस लैपटॉप में नहीं खेल पाओगे। जैसा कि मैंने प्रीवियस दो गेम अभी आपको टेस्ट कराए, ऐसे गेम आप इस लैपटॉप पे आराम से प्ले कर सकते हो। इस लैपटॉप की कम्युनिटी मैंने चैनल पे पोस्ट की थी तो वहां सबसे ज्यादा एक ही कमेंट्स आ रहा था कि बैटरी बैकअप कितना मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 सेल 45 वॉट आवर की बैटरी लगी हुई है। स्क्रीन ब्राइटनेस को मैंने 70% पे रखा था, बैकलाइट ऑफ था, मूवी वगैरह देखी, इंटरनेट ब्राउजिंग की और सारे बेसिक से टास्क किए, तो मुझे आराम से 5 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप मिल गया था। और उसका रीजन ये भी था इसमें यू सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है, ओवरऑल बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिल जाता है। इस लैपटॉप की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो मैंने इसे फ्लिपकार्ट से किया है क्योंकि आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे 2 महीने से, और मैंने लेनोवो स्टोर पे भी विजिट किया था तो वहां ये लैपटॉप अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इन फ्यूचर में ट्राई कर सकते हो। फिलहाल मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, मुझे ये पड़ा है 40,000 में। वैसे प्राइस 43 थी लेकिन मैंने कार्ड वगैरह लगा लिया तो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया था। इस प्राइस में ये लैपटॉप मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगा। आप इस लैपटॉप में डे टू डे टास्क, मल्टीटास्किंग, कोडिंग वर्क कर सकते हो, 1080p की एडिटिंग भी आप आसानी से कर पाओगे। ओवरऑल जिस प्राइस पे ये लैपटॉप आ रहा है आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, 2 महीने पहले मैंने इसी सेम सीरीज में Ryzen 7 का रिव्यू किया था और वहां मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, उस लैपटॉप में TN डिस्प्ले के साथ वो लैपटॉप आ रहा था और उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस ने मुझे इतना इंप्रेस नहीं किया। हालांकि वहां प्रोसेसर अच्छा था लेकिन फिर भी उस लैपटॉप की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आपको 40,000 के बजट में ये लैपटॉप मिलता है, क्योंकि इसमें IPS डिस्प्ले मिल जाती है, 16GB रैम लगी हुई है, ओवरऑल सब कुछ मुझे परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली, तो आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। आई होप आपके लिए ये वाला वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लैपटॉप के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।